हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप सो आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। अभी हम जो देखेंगे कि ये जो 111 पोर्टल आ रहा है, 111 पोर्टल जो है आज, वो आपकी लाइफ में क्या क्या ब्लेसिंग लेके आ रहा है। और मैच करोगे तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आप चीज़ों को मैनिफेस्ट ना कर पाओ, मोस्टली आपकी विशेस मैनिफेस्ट हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपकी लव लाइफ के बारे में देखेंगे कि आपकी लव लाइफ पे जो ये 111 पोर्टल है, इसका क्या असर पड़ने वाला है। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स बताएं क्या क्या खुशियां आपकी लाइफ में ये 111 पोर्टल लेके आ रहा है। प्लीज यूनिवर्स बताएं हमारे व्यूअर्स की लाइफ में 111 पोर्टल। और आज आपको पता है न्यू मून भी है, तो देखते हैं आपकी लाइफ में क्या गुड न्यूज लेके आ रहा है। ओके, ये दो कार्ड निकाले हैं मैंने। ठीक है, पाइल नंबर 1, ओके, एट ऑफ पेंटिकल, ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, वन मोर कार्ड, ओके। सो मैं आपको बता देती हूँ, इन योर लव लाइफ बॉटम ऑफ डेक से जो एनर्जी है टावर की है। आई थिंक आपकी लाइफ ना बहुत हेल रही है लव लाइफ के चक्कर में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही है जो बहुत ही आप रोए हो, आपकी ज़िंदगी का लाइफ का पूरा बैलेंस ख़त्म हो गया हो, खराब हो गया हो, इस तरह की एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। यस, बहुत चीज़ें तहस महस हुई है, बट आप डोंट वरी, ये जो चीज़ें आपकी लाइफ में खराब हुई है, इस चीज़ की रिपेयरिंग आपकी लाइफ में होगी, आपकी हीलिंग होने वाली है। मुझे लग रहा है या तो वो आपके जो भी पार्टनर हैं या जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में, जिसको दिमाग में लेके आप ये रीडिंग देख रहे हो, आई थिंक उन्होंने आपको बहुत बुरे वाला चीट करा है। आई थिंक बहुत ही गलत वे से चीट करा है, बिकॉज टावर की एनर्जी बहुत ही हैवी एनर्जी होती है। आप बहुत डार्कनेस में चले गए होंगे, एन्जाइटी, लोग आपसे बहुत कट ऑफ हो गए होंगे, आपकी लाइफ में इतने खराब चेंजिंग हो सकते होंगे। ये जो आपने देखा है ना, ये एन्जाइटी है, ये आपकी इस ब्रेकअप ने ना आपकी लाइफ की नींव हिला दी, आपकी फाउंडेशन को ही हिला दिया। तो आप अब जो आप देख रहे हो, ये जो चीज़ें खराब हुई है, ये चीज़ें सही होंगी, ये चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। जो चीज़ें आपकी तहस महस हो गई थी, आप हीलिंग अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, राइट? ये जो डार्क एनर्जीज आपकी लाइफ में थी, नेगेटिविटी आपकी लाइफ में थी, वो लिटरली आपकी लाइफ से जा रही है। तो एक तो ये एनर्जी, और आप ये देख सकते हो सन की एनर्जी, इसके नीचे देखो कितने मेजर आर्कानाज हैं, अगर आप देख सकते हो। मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में अब ब्राइटनिंग आएगी, आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पार्टनर चले गए थे, तो हो सकता है वो आपकी लाइफ में वापस आ जाएं। ठीक है, मतलब आपकी लव लाइफ में फुलफिलमेंट आप देख रहे हो। द लवर्स के कार्ड से भी आप ये चीज़ फील कर पा रहे होंगे, मतलब आप हैप्पीनेस मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, लिटरली लव लाइफ में आप हार्मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चीज़ों के साथ बहुत खुश रहने वाले हो। तो मोस्टली जो ब्यूटीफुल चीज़ मुझे दिख रही है, वो ये दिख रही है कि आप अपनी लाइफ में ना खुशियों को अट्रैक्ट कर रहे हो, हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर रहे हो। एक मतलब हो सकता है ये वो इंसान हो सकते हैं जिन्हें आप प्यार करते हो, और ये वो इंसान भी हो सकते हैं जो आपके यू नो ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो। और मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे और करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप ब्रेकअप वाली सिचुएशन से हैं तो वो सिचुएशन हटने वाली है। आप रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हो, लिटरली गेट टुगेदर आपका हो सकता है, और ये कुछ आवर्स में भी हो सकता है। देयर इज द मच पॉसिबिलिटीज। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो, बहुत बहुत ज़्यादा मेहनती हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करती हो, ये एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं फील हो रही है। आपने इस रिश्ते पे बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी, बहुत ज़्यादा। एंड मुझे कहीं ना कहीं ये भी चीज़ फील हो रहा है, बिकॉज जो 8 नंबर आपका जो होता है, वो होता है सैटर्न का। ठीक है, एंड अगर आप देखोगे, सैटर्न जो है कहीं ना कहीं जस्टिस को रिप्रेजेंट करता है। आपकी लाइफ में जो चीज़ें खराब हुई है, वो जस्टिस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है,
तो ट्राई कीजिएगा, आपको गाइडेंस भी एक तरह से मैं दे रही हूँ। प्लीज़ नॉन वेज वगैरह मत खाइएगा अभी, आपके लिए ये सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि जो सैटर्न होता है उनको ये चीज़ें सही नहीं लगती है। ठीक है, स्मोकिंग एल्कोहल, अगर आप एल्कोहल वगैरह यूज़ करते हो प्लीज़ डोंट यूज़ इट। एंड मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप ट्राई नहीं कर रहे थे आई थिंक बहुत टाइम से स्पिरिचुअल होने का, और शायद आप बहुत मेहनत कर रहे थे चीज़ों को लेके, बट आपको ना उतना रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। आप स्ट्रगल बहुत कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे थे कि चीज़ें सब कुछ सही हो, आपके फेवर में हो, अच्छा हो, बट आप कहीं ना कहीं देख रहे हो कि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। अभी आप जिस चीज़ पे बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे अपनी लव लाइफ में कि ये चीज़ें सही हो जाए, आपके फेवर में हो चीज़ें, यस हो सकता है आपकी फैमिली वगैरह एग्री हो जाए मैरिज के लिए, या आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट दे दे, यू नो, अगर आप ब्रेकअप सिचुएशन में हो तो वापिस आ जाए, दैट काइंड ऑफ एनर्जी यू हैव। और कहीं ना कहीं जो आपका सेवन ऑफ पेंटिकल्स है ये आपका केतु को बताता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो आपका केतु है ये बताता है आपका इल्यूज़न। मुझे लग रहा है बहुत टाइम से बहुत इल्यूज़न में थे, भ्रम में थे, चीज़ों को लेके क्लियर नहीं थे, कंफ्यूज्ड थे। तो कहीं ना कहीं बिकॉज केतु का सिर्फ सिर ही सिर है ना, तो वो इसीलिए सिर्फ हम सो सकते हैं, नेगेटिविटी, मुझे लगा नेगेटिव थिंकिंग का बहुत ज़्यादा कर रहे थे, नो डाउट। बट अभी आप इस नेगेटिविटी से बाहर निकल रहे हो, आपके अंदर जो भी ये नेगेटिविटी आ रही थी ना, आप इससे बाहर निकल रहे हो, इल्यूजन से बाहर निकल रहे हो। अब डाउट्स जो आप चीज़ों को लेके कर रहे थे ना रिलेशनशिप में, आप उससे बाहर निकल रहे हो, आपके डाउट्स क्लियर होंगे, जो जो आपके डाउट थे रिलेशनशिप में। ठीक है, साथ में आप एक अच्छा इन्वेस्ट करने वाले हो अपने रिश्ते में, यू नो, इन अ गुड वे। एंड कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ने वाली है सही गलत को लेके, कि सही क्या है गलत क्या है, तो यस आपकी इंट्यूशन पावर भी बढ़ रही है। एंड साथ ही साथ अगर आप देखोगे आप स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा होते जाएंगे। अभी ये जो आपका 111 पोर्टल आ रहा है ना, ये आपके लव लाइफ के साथ साथ आपको स्पिरिचुअल भी बनाएगा, और आपके लाइफ में कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग आ रही है। न्यू बिगनिंग आपके रिलेशनशिप में आ रही है। अगर आप ब्रेकअप सिचुएशन में थे तो आपका पैचअप हो जाएगा। अगर आपके यू नो इन सिचुएशन थे, कोई क्रश था, तो यस आप लोगों का रियूनियन मुझे फिर भी होते हुए दिख रहा है। ठीक है, साथ में ग्रोथ मुझे दिख रही है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़, आप साथ में ग्रो करोगे, एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है। ठीक है, रियूनियन आपका हो सकता है। ठीक है, इस तरह की एनर्जी मुझे आपकी फील हो रही है। अगर आप बहुत टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी थे तो आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो, तो 111 पोर्टल आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्यूटीफुल चीज़ें लेके आ रहा है, तो यूनिवर्स पे बिलीव कीजिए। ठीक है, इसके बाद अब हम देखने वाले हैं कि आपका करियर पे क्या इफेक्ट रहेगा, क्या गुड न्यूज़ लेके आ रहा है 111 पोर्टल आपकी लाइफ में। ठीक है, ओके, मैं शफल कर लेती हूँ। अगर आपको बैकग्राउंड नॉइस आ रही है तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, सो अब देख लेते हैं आपका करियर कैसे, करियर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तीन कार्ड मैं निकालूंगी। ठीक है, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ डेक की जो एनर्जी है। ठीक है, ओके, आई होप आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट कार्ड आ रहा है आपका किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, अभी मैं आपको टर्न वाइज टर्न इसका बताती हूँ। सबसे पहले जो किंग ऑफ वॉन्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर गवर्नमेंट टेस्ट की तैयारी कर रही थी बहुत टाइम से, तो यस हो सकता है कि आपकी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम निकलने के चांसेस है। आपको एक ऐसी पोजीशन मिलने वाली है जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे और जिसे आप डिजर्व कर रहे थे। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप देखोगे आपके हाथ में एक पावर आने वाली है। हो सकता है आपको हाई पैड जॉब आपको मिल जाए,
और एक अच्छी पोजीशन पे आपकी प्रमोशन हो जाए, मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हो तो आपको एक बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए। अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि आपकी जॉब नहीं लग रही है, आप बहुत ट्राई कर रहे थे, बट आपके काम नहीं बन रहे हैं, तो आज जो 11/11 पोर्टल जो खुल रहा है, ट्राई कीजिए, इसमें चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए, अच्छे अच्छे अफर्मेशंस बोलिए। तो अभी जो दिख रहा है इसका जो 111 पोर्टल का जो इफेक्ट है, आपकी जॉब लग सकती है, जॉब का भी मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है, ठीक है। एंड मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जी ना किंग की तरह होगी, आपकी किंग ऑफ एनर्जी मुझे लग रहा है, किंग ऑफ एक्शन लग रहा है, आप पैशनेट होंगे अपने काम को लेके। अब मुझे लग रहा है कि ये जो पोर्टल आ रहा है आपको मेच्योर भी बना देगा, अगर आप मेच्योर नहीं थे ना उतना तो मेच्योर भी बना देगा। और मुझे लग रहा है कि आपकी जो नेचर में एक बदलाव आएगा ना, वो ये आएगा कि आपको पसंद नहीं होगा कि कोई किसी के साथ अनजस्टिस करे, तो आप जस्टिस से बहुत लव करने वाले हो, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप काम को लेके फोकस नहीं बना पा रहे थे, तो अभी आप देखोगे कि आपके लाइफ में आप फोकस को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने काम को लेके आप काफ़ी सीरियस होने वाले हो, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ लोग ऐसे थे आपकी लाइफ में जो कि बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक थे, ठीक है, और मैनिपुलेटिव थे, बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिव तरीके से आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे थे, तो ऐसे लोग आपकी लाइफ से जाने वाले हैं इन अ करियर वे। अगर आपका आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बॉस बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, तो मच पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका बॉस कंपनी छोड़ दे, या फिर आप कहीं चेंज कर लो, या सडनली उसका बिहेवियर आपके लिए चेंज हो जाए। यस, हो सकता है आपको यहाँ पे मल्टीपल चॉइस मिले, आपको ऑफर आए जॉब के, करियर के, ग्रोथ के, तो मुझे ये चीज़ दिख रहा है, आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई भी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। एंड साथ ही साथ मुझे लग रहा है आप डिसीजन लेने में बहुत अच्छे से डिसीजन ले पाओगे। ये पोर्टर आपकी लाइफ में एक एबिलिटी आपके लिए ऐसे लेके आ रहा है कि आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप इजीली चीज़ों को डिसीजन ले पाओगे और अच्छे, अपने अच्छे के लिए डिसीजन ले पाओगे इन अ गुड वे, ठीक है। और मुझे लग रहा है आप काफ़ी बोल्ड होने वाले हो, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो ये था आपका करियर। एंड इसके बाद देख लेते हैं आपकी हेल्थ, कि आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, हमारे जितने भी व्यूअर हैं उनकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। यस, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। आप, मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खुश खुश फील करोगे, अपने फैमिली के साथ एंजॉय करोगे, बच्चों के साथ एंजॉय करोगे, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड कहीं ना कहीं आप इमोशनली बहुत ज़्यादा फुलफिल हो, तो इसीलिए कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट देखेंगे। ट्राई कीजिए, पानी पानी अच्छे से पीजिएगा, पानी का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, और मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ वेट मत कीजिए हर टाइम कि कब कब चीज़ें सही होगी, कब चीज़ें सही होगी। आपके लाइफ में सब कुछ चीज़ें सही होगी, सिर्फ कर्म पे ध्यान दीजिए, ठीक है। एंड अभी मैं आपको कुछ रिचुअल्स बताऊंगी, एंड एक एक दो चीज़ें मैं आपको और भी बता देती हूँ, 1 मिनट रुकिए। एक चीज़ मैं आपको ये भी बता देती हूँ, जैसे कि ना, जैसे कि आपका 10 नंबर जो होता है वो सन का होता है, राइट। तो 10 नंबर सन का होता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ब्यूटी में निखार आ सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ग्लोइंग फेस, हेयर, आप बहुत ज़्यादा नेचर से कनेक्टेड रहोगे, और खुद के ऊपर मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा फोकस करोगे, ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं लग रही है। तो यस, आपके फेस पे ग्लो आने वाला है। वो केयर कैसे आने वाला है, क्योंकि आप खुद की टेक केयर कर रहे हो, इस वजह से आ रहा है। सो आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहने वाला है, डोंट वरी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वर्स आपको क्या गाइडेंस देने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, मूनोलॉजी से देख लेती हूँ मैं। ओके, फर्स्ट मैसेज आपको आया है, लक इज ऑन योर साइड, न्यू मून इन सेजिटेरियस। देखो, आपका जो लक है ना, आपके फेवर में है, तो प्लीज अपने आप पे फोकस कीजिए, नेगेटिव चीजें बोलना बंद कर दीजिए कि मेरे साथ तो कभी अच्छा होता ही नहीं है, मेरी तो लाइफ ही ऐसी है, पता नहीं इतना दुख भगवान मुझे क्यों उतर। नहीं, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, वो जो आपको दे रहा है वो बेहतरीन दे रहा है,
उससे अच्छा आपकी, मैं आपको एक बहुत क्लियर बात बता रही हूँ कि जितना फिक्र आपके माँ बाप नहीं करते हैं, जितना फिक्र यूनिवर्स को हम लोगों का है, भगवान को हमारी फिक्र है। तो कभी भी अगर वो आपको कुछ दे रहा है, दुख दे रहा है, सुख दे रहा है, उसको एक्सेप्ट करो कि वो जो देगा वो मेरी बेहतरी के लिए देगा। क्योंकि अगर भगवान आपकी लाइफ में कुछ दुख भी दे रहे हैं ना, वो भी आपके सुख के लिए दे रहे हैं। क्योंकि भगवान भगवान हमें खुश देखना चाहते हैं, हमें सही रास्ते पे लेके जाना चाहते हैं, ठीक है, हम उनके बच्चे हैं। तो कभी नेगेटिव थॉट्स मत क्रिएट करो, अगर आते भी है भाई नॉर्मल है, ह्यूमन बींग है, नेगेटिव थॉट भी आएंगे, बट अब ट्राई करो कि नेगेटिव थॉट को ना लेके आओ। ओके, ये आज की वीडियो आई होप सो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी अ पार्ट ऑफ आर फैमिली मेम्बर। और अगर मुझसे कोई भी मिस्टेक होगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। एंड आई होप आप अपनी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ मैनिफेस्ट करें, बहुत सारा प्यार मैनिफेस्ट करें, यू नो, और आप हमेशा खुश रहें। थैंक यू वेरी 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 मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।